कश्यप समाज ने की मंत्री कपिल देव व प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी से 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की पुरजोर मांग। मुजफ्फरनगर धीवर कुम्हार निषाद मल्ला समेत 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर आज गौशाला नदी रोड पर स्थित कश्यप धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र प्रभारी कपिल देव व प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी को मांग पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर मंत्री कपिल देव ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में शीघ्र ही प्रदेश सरकार को अवगत कराया जाए और 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में कराया जाए। 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए वह भी अपनी समाज सेवी टीम के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर लोक सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केपी चौधरी, सुरेंद्र मित्तल, नवीन कश्यप आदि ने भी विचार रखे। इस अवसर पर मुन्नू कश्यप, महेंद्र सतवीर, मदन सोमपाल, राहुल, सुनील, राजन, प्रमोद आदि मौजूद रहे। हमारे सिंगर आपने एक बात कर, दूसरी बात मेरे मिलना था भाई तेरे से ही बाकी। मेरे हिसाब से पिछले का मामला है, इसमें हमको अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को छात्र हमको इतना मजबूत करना चाहिए उनको पढ़ाई के मामले। वो कह रहा है हमारे सबके दिमाग में क्या पिछड़े हैं, पिछले की मानसिकता हमारी रहती है। हम ठेले वाले हैं, हम सब्जी बेच रहे, कोई मूंगफली बेच रहा, कोई चाट बेच रहा, कोई चाट फेर चाट का ठेला लगाना कोई अपराध नहीं, मूंगफली बेचना कोई दुकान करना कोई अपराध नहीं, पर जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को हमको अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई हो उसके लिए हमको बहुत ध्यान देना। असली मामला है पढ़ाई का। अगर बच्चे आगे पढ़ करके आगे निकलेंगे तो मेरे हिसाब से किसी भी जनरेशन की जरूरत नहीं। आज भी जो बच्चे अक्टूबर आते हैं छोटे जैसे मान लो जिंदगी के लिए आज एक परिवार में गए लड़की जैन समाज की, तो 15.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है इसका, कितने 15.5 लाख जनरल में 700 बच्चे सेलेक्ट हुए, 700 बच्चे में उसकी तीन तो छाल गए पढ़ के आई हूँ आपके समाज में हमारे मकान की। मेरा नाम नवीन कश्यप है, मैं कश्यप विकास समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, तो आरक्षण का मामला था, इन्होंने मंत्री जी को बुला रखा था कपिल अग्रवाल को, तुम 40 साल से लड़ाई लड़ रहे, रेल भी रोक ली, यो भी कर लिया, सारे हंगामे कर लिए, हम मंत्री जी कह रहे तुम्हें क्या जरूरत है। अरे हमारे खेतों के पास देखो, हम नदियों के पास रह रहे, हमें आरक्षण की इतनी जरूरत है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे कहाँ से किसी के, हमारे 80% भी नंबर आ रहे, 40% वाले को दाखिला मिल रहा, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। इसी 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ आपने ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन के माध्यम से आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। हाँ, हम ज्ञापन दे रहे हैं, जितने भी हमारे पे दिए जाएंगे इससे भी जाए देखेंगे, और फिर रेल रोकेंगे, गाड़ी रोकेंगे, और जहाँ से भी होगा सड़कों पर हंगामे करेंगे। अब हम रुकने के नहीं, बहुत दिन हो लिया हमें, अब भाजपा को भी नहीं बनाया था, मायावती को भी नहीं बनाया था, मुलायम सिंह को भी नहीं बनाया था। अब देखियो हमारा अभी 15,000 आदमी की भीड़ हमारी शामली में थी, फिर सहारनपुर में थी, अब तो हम हंगामे करेंगे खूब दबा के। मंत्री ने तो जो दिया कहने लगे भाई अपना पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, जब आरक्षण का फायदा, आरक्षण का तो फायदा जब 80% 90% हमें लंबर से एडमिशन नहीं मिल रहे और कुछ नहीं मिल रहा, ना हम प्रधान नहीं लड़ सकते, ना विधायक लड़ सकते, सब लोग बड़े बड़े लोग फायदा उठा रहे इसका, आने वाले चुनाव है उसमें। हाँ तो उसमें देखियो हम क्या क्या करेंगे, वोट नहीं, वोट नहीं आरक्षण नहीं, वोट नहीं तो आरक्षण नहीं।